अरे कहना क्या चाहते हो? ओके सो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, तो यहाँ पे राफेल करेक्टर है, इसकी एबिलिटी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पूरे के पूरे एबिलिटी को ही चेंज कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजिंग नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा चेंजिंग जिसको देखने के बाद मतलब इसका एबिलिटी को ही बदल दिया गया है। सिंपल सा मैं आपको बताऊँ तो ये पहले से कुछ ज़्यादा ही ओपी हो चुका है, और यहाँ पर अभी इस करेक्टर का यूज बहुत होने लग जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इस कैरेक्टर को पैसिव कैरेक्टर बना दिया गया है, मतलब समझ रहे हो। सो गाइस, यहाँ पे नॉर्मली अब भी जो रेफेल करेक्टर है उसका स्किल एक्टिव है, और यहाँ पे ये जो काम करता है वो साइलेंसर का काम करता है, यानी कि सिंपल सा आपके गन शॉट को हिडन कर देता है मैप पे, ताकि यहाँ पे आप कहीं से भी किसी को डैमेज दोगे तो पता नहीं चलता है, बिकॉज गन में जो साइलेंसर होता है उसकी वजह से आवाज़ नहीं होता तो मैप पर शो भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर कूल डाउन टाइम हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पे 8 सेकेंड के लिए होता है, एंड कूल डाउन टाइम यहाँ पर 40 सेकेंड है, ठीक है। बट इसी कैरेक्टर को एडवांस सर्वर में, जो कि आफ्टर अपडेट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पे सीन क्या है कि पैसिव बना दिया गया। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो पहले एक्टिव था अभी पैसिव है, और स्किल ही चेंज कर दिया गया। मतलब इसकी जो स्किल है ये है कि ये साइलेंसिंग इफेक्ट काम करेगा स्नाइपर एंड मार्क्समैन राइफल पे, यानी कि स्नाइपर जो भी AWM होता है, उसके बाद M2 भी है, ऐसे वेपन जो भी स्नाइपर वेपन है, उसी के साथ साथ राइफल वेपन जैसे कि ड्रैगन हो, और यहां पर मैं आप सभी को बता दूं मार्क्समैन राइफल ड्रैगन हो गया, SKS हो गया, ऐसे वेपन को साइलेंस करेगा, मतलब एकदम से उसकी आवाज को साइलेंट करेगा, मतलब साइलेंसर का काम कर देगा, ठीक है, जो कि यहां पे आप इजी समझ जाओगे। बट उसके बाद जो एबिलिटी है भाई, ओपी एबिलिटी है। मतलब देखो, इनेमी हिट एंड डाउन, मतलब देखो अगर किसी इनेमी को आप नॉक करते हो तो नॉक होने के बाद वो इनेमी पे एक रेड वाला जो इसका हेल्थ होता है वो रेड होता है, और वो यहां पर उसका रेड धीरे धीरे यहां पर रेड माइनस होता रहता है, और कोई भी बंदा उसको रिवाइव कर सकता है उसके टीममेट का, देन वहाँ पे वो फिर से रिवाइव हो जाता है। मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ, मानो कि आप किसी बंदे को डाउन करते हो, डाउन होने के बाद वो बंदा यहाँ पे कुछ टाइम तो नॉक रहता है, और उसका जो हेल्थ रहता है वो रेड रहता है, उसी रेड हेल्थ को माइनस करने का काम करता है राइफल करेक्टर। तो राइफल करेक्टर से अगर किसी बंदे को नॉक करते हो तो वो जो नॉक होने के बाद जो रेड हेल्थ रहता है वो बहुत स्पीड से माइनस होता है। ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट है, किसी बंदे को आप नॉक करते हो उसका टीममेट जरा सा भी डिस्टेंस पे रहेगा, यहाँ पे उसके टीममेट को आने से पहले वो बंदा एकदम से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 किल, मतलब ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लाइव देखने वाले हो, मतलब सीन क्या है, मैं अभी सबसे पहले गेम प्ले में चलने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद देखते हैं कि मतलब ये काम कैसे करता है। अब मैं आप सभी को बता दूँ, Level 1 पे ये 20% मतलब 20% स्पीड से रेड वाला हेल्थ को माइनस करता है, और Level 6 पे 45%, मतलब ये साइलेंस भी करता है कुछ गन को, और इसका जो सेकेंड हेल्थ है वो ओपी सीन है कि यहाँ पे Level 6 पे 45% स्पीड, मतलब समझ रहे हो भाई। सो गाइस, तो एकदम सिंपल सा कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोई बंदा 100 सेकेंड में, मतलब डाउन होने के बाद, नॉक होने के बाद वो 100 सेकेंड तक अभी तक रहता है ताकि उसका टीममेट उसको रिवाइव कर सके, या 100 सेकेंड तक मान लो कि ऐसे है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप रेफल से नॉक करोगे तो वही 100 सेकेंड मतलब 55 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 45 सेकंड माइनस। भाई ओपीसी ने मतलब बहुत फास्ट, देखो यहाँ पे एक बंदा था उसको मैंने यहाँ पे नॉक किया, नॉक करने के बाद अभी मैं Level 3 पे हूँ, मतलब मेरा जो करेक्टर है अभी जो रेफेल करेक्टर है वो यहाँ पे Level 3 है, समझ रहे हो। और उसी के साथ साथ उस बंदे को जो मैंने नॉक किया है तो उसके बॉडी से एक रेड आइकन निकलेगा, मतलब एक धुआं टाइप कह सकते हो, ठीक है, कोसा, मतलब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ। वो बड़ी से मतलब माइनस होता रहता है तो भाई पता भी चलता है, अभी भी आप देखोगे उस बंदे को तो थोड़ा बहुत, भाई बंदे चले गए मतलब कितना फास्ट भाई, अभी Level 3 थे। देखो यहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक किया एंड इस बंदे से यहाँ पे रेड आइकन निकल, रेड धुआं निकल रहा है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये है रेफेल का कमाल, मतलब कि इस भाई का मतलब हेल्थ बहुत फास्ट डाउन हो रहा है, मतलब डाउन होने के बाद जो रेड हेल्थ रहता है वो फास्ट डाउन होता है, समझ रहे हो। अभी गाइस मैं आपको अलग अलग सीन दिखाता हूँ। ओ भाई, तो यहाँ पे ऊपर एक बंदे हैं, ओ भाई डैमेज क्या ही बोलूँ, इस बंदे को भी 100 का यहाँ पे 110 का हेड पड़ा था भाई, देखना मैंने भाई क्रोनो तोड़ के, भाई एडवांस सर्वर में तो क्रोनो की भाई अलग ही सीन चल रहे हैं। देखो गाइस यहाँ पे एक बंदा है, इसको मैंने नॉक किया, अभी देखो इसके बॉडी पे देखो भाई रेड आइकन आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्या ही बोलूँ भाई, क्लियर हो गया भाई, क्या ही हमारे टीममेट है, मतलब क्लियर करने में इतना फास्ट भाई,
अभी देखो गाइस सीन क्या है कि यहाँ पे होता क्या है, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आए कि आखिर ये कर क्या सकते हैं। देखो गाइस जैसे मैं यहाँ पे गया भाई, हमारे टीममेट ने उसको क्लियर ही कर दिया, तो ये चीज़ तो हमारे साथ बहुत हो रहा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था भाई। और उसके साथ साथ यहाँ पे अभी देखो एक लास्ट बंदे हैं, ओ भाई भैया कमाल है भाई। चलो गाइस यहाँ पे देखना, इस बंदे को मैंने ओपी वाला नॉक किया भाई, क्या ही हेड दिया इस बंदे को, लाइक तो बनता है भाई, अभी तक लाइक नहीं किया तुम्हारा भाई ने, ओपी वाला हेड दिया इस बंदे को। सो गाइस अब देखो यहाँ पे रियल कमाल, मतलब देखो इस बंदे के बॉडी से रेड रेड एक आइकन, मतलब रेड रेड यहाँ पे धुआं, या इसको हम रेड हेल्थ भी बोल सकते हैं, तो मतलब अलग सीन है। अभी यहाँ पे देखो भाई सीन क्या है, एक और बंदे को हमने नॉक किया है, और भाई यहाँ पे देखो भाई सेम चीज़ है, जो रेड हेल्थ है वो मतलब धुआं बन के भाई निकल रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब यहाँ पे अलग सीन हो रहा है। बट यहाँ पे तो सबसे मेन चीज़ है कि आप रफेल करेक्टर की एबिलिटी देखो, मतलब भाई सीधा ही चेंज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है भाई, एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल होती है, ये एक पैसिव स्किल है जिसको आप किसी भी करेक्टर में चिपका सकते हो और भाई यूज कर सकते हो, क्या बोलते हो, मतलब ये इसका तो भाई अलग सीन हो गए। तो आप क्या बोलते हो, रेफरल करेक्टर मतलब क्या तबाही मचाने वाला है, वो जरूर आप बताना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दो, तब तक लिए गुड बाय।